ये छत्ता मिल जाए तो छोड़ना मत, रातों रात किस्मत बदल देगा। जी हाँ मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों को कई वीडियो में मधुमक्खी के छत्ता के बारे में बता चुका हूँ। मधुमक्खी को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। भ्रामरी हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माता है, इनके द्वारा एक दैत्य का नाश भी हुआ है। भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्य की भी जो है संहार किया था भ्रामा रूप धारण करके। तो ये भ्रामरी माता होने के कारण इसके अंदर में इतना ज्यादा चमत्कारी गुण होता है, इसके जो मोम होता है इसमें इतना ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं कि आपके सात जन्म की निर्धनता को, गरीबी को मिटा सकती हैं, ये आपके सारे मनोरथ को पूर्ण कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सर, सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको ये मधुमक्खी के छत्ते मिल जाते हैं तो इसके छत्ते को ले आना, इसे धूप में सुखा देना। इसके बाद इसका प्रयोग विधि सुन लीजिए, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसका पिंड बना लेना। जी हाँ दर्शकों, इसका पिंड बना लेना। पिंड मतलब होता है इसका आपको गुलाई बना लेना है। गुलाई बना करके आपको इसे अपने घर में स्थापित करना है, पूजा स्थान पे। तो जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, आपके घर में धन खत्मा नहीं होगा। ये धन बरकत कराने का काम करते हैं। बस प्रतिदिन इसे गंगा जल से स्नान बस करा देना। ये चमत्कारिक प्रयोग हम स्वयं अपने जीवन में देख चुके हैं, वही प्रयोग आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। इसका और भी चार प्रयोग बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी सिखाए जाते हैं। तो इसके छत्ते के मोम को सुखा करके लाल कपड़े में बांध करके धन पेटी में रखने से हमारे घर में धन की बरकत होती है। इसे ताबीज बना करके पहनने से, यानी कि जो मोम होता है इसे ताबीज में भर करके पहनने से कार्य में प्रगति होती, कार्य में हमें सफलता होती है। बार बार असफलता हासिल हो रहे तो असफलता हासिल होना बंद हो जाते हैं, इसे हमें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होता है। इसके मोम का धुआं घर में दिखाने से घर में भूत प्रेत बाधा नकारात्मकता बाधा समाप्त हो जाते हैं, घर पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती है। इसके छोटे छोटे पिंड बना करके कार्य स्थल पर रखने से, जैसे कि आलमारी है, पूजन स्थान है, जिस जगह पे आप कार्य करने जाते हैं वहां पे रखने से बिल्कुल ही मित्रों, ये हर कार्य में प्रगति कराता है, धन लाभ कराता है और आपको हर कार्य में सफलता हासिल प्राप्त कराता है। मित्रों, इसके और भी बहुत सारे चमत्कारिक फायदे, मैं हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा, आप जो है मधुमक्खी जो मोम होता है इसके पिंड की माला बनाकर के भी धारण कर सकते हैं। माला बनाकर के जो व्यक्ति पहनते हैं उसे अष्ट प्रकार की सिद्धि हासिल प्राप्त होता है। बिना किसी जाप के आठ प्रकार की सिद्धि मिल जाते हैं, आपकी कुंडली में धन योग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।